जी वीडियो को शुरू में एक बात बता दूं, वीडियो बाद में शुरू करते हैं, वो पंजाबी च गल कर लेने, गल मैं आपके साथ वीडियो शुरू में दस देवा। भज गए सारे कौन से भाग गए भाई, अभी आपको बताता हूँ मैं। बहुत बड़े फनेखा बने हुए थे जो कल रात जो मैंने आपसे वीडियो शेयर की उसमें, वो अभी वो सब कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, जितने हाथ लग चुके हैं सब आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कल रात 12 बजे रिकॉर्डिंग की और सुबह सही टाइम आपके साथ वीडियो शेयर की, जो मस्जिद नबवी में वाकया पेश आया जी। और आज रात अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 11 बजे के टाइम, और सही टाइम ही ये वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, उस वीडियो में आपने देखी मेरी वीडियो, मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ ये कन्फर्म किया था कि इस चीज़ को अभी से अपने जहन में रख लें कि ये जो बंदे मस्जिद नबवी में शोर कर रखे हैं ये कन्फर्म बात है गिरफ्तार होंगे। अच्छा, इसके ऊपर जो फाइन वगैरह के मुताबिक वो आपको बता चुका हूँ मैं, बाद में इनको डीपोर्ट भी किया वगैरह जो भी जाएगा। तो आज पहले एक फेक वीडियो चलाई गई कि ये बंदे गिरफ्तार हो, वो वाकई पाकिस्तानी थे लेकिन वो पुरानी वीडियो थी, वो भी आज ही मैं आपके साथ शेयर कर चुका था कि भाई ये पुरानी वीडियो है, ये अभी की नहीं है। लेकिन जो अभी कन्फर्म बता दिया गया, मैं आपको यहाँ पर एक पहले ट्वीट दिखा दूँ, उसके बाद उनकी पिक्चर वगैरह भी दिखा देता हूँ मैं आपको, जो वजारत दाखिले की तरफ से नशर की गई है, यानी कि सऊदी वजारत दाखिले की तरफ से। और उसके बाद आप हमारे साथ एक छोटी सी बात शेयर करूंगा, उससे यकीनन आपको फायदा होगा। पहले आप ये वीडियो ये ट्वीट देख रहे हैं, इसमें एक चीज को मैं हाईलाइट करके आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ मैं, जिसमें लिखा हुआ खमसा अशकास में जिनसे पाकिस्तानियाँ और जिनसे पाकिस्तानियाँ असना वजूद हाफी साह मस्जिद नबवी। तो मस्जिद नबवी में जो वाक़ पेश है वहाँ पर ये शोरगुल किया, हरासा करने की कोशिश की, सिंपल फाज में आप यही बोल रहे हैं। तो उसके ऊपर 5 पाकिस्तानियों को अभी तक गिरफ्तार कर लिया गया है, अभी उनकी पिक्चर भी साथ में आपको दिखा रहा हूँ मैं, देख लें। ये एक पिक्चर भी शाया की गई है, जो वीडियो में आए चाहे 5 हैं चाहे 50 हैं चाहे 500 अफराद हैं, वो सब आस्ता आस्ता गिरफ्तार किए जाएंगे। 5 जो हाईलाइट हुए हैं उनको पकड़ लिया गया है, उसके बाद अभी दूसरों की बारी है। और ये कन्फर्म बात है जो मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुका हूँ, भाग चुके हैं जी दूसरे। एक चीज जो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता था वो ये है, एहतियात कीजिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ही, चाहे आप एहतियात कर रहे हैं कोई भी किसी किस्म का, या कोई भी किसी किस्म के मामले को लेकर आप शोरगुल कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, या 2-4 दोस्तों को साथ लेकर ऐसे बाहें ऊपर करके नारे लगा रहे हैं, अपने रूम में बैठे हुए अपनी वीडियो टिकटॉक वगैरह के ऊपर शेयर कर रहे हैं, ये सऊदी अरेबिया में रहते हुए ऐसा काम मत कीजिएगा भाई, इसके ऊपर आपको वो ढूंढ लेंगे। चाहे आपको पता हो, मैंने आपके साथ चंद माह पहले वीडियो शेयर की थी, ताइफ के पहाड़ों से एक यमनी ने वीडियो बनाकर सऊदियों को टैग की थी और शुरता मरूर दौरिया वगैरह के नाम लेकर बोला था आओ मुझे ढूंढो और गिरफ्तार करो। आज उसने ये वीडियो लगाई थी और उससे आगे वाली रात वो जेल में काटी थी उसने, पहाड़ों के अंदर से इन लोगों ने वो बंदा ढूंढ लिया था। तो मुश्किल नहीं है इनके लिए बंदे ढूंढने, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा कोई भी काम करने से पहले सोच लीजिए।